यूपी के ललितपुर में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। हर दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए संभावित लोगों की जांच कराई जा रही है। शनिवार को 1,880 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें 58 नए कोरोना संक्रमित मिले। इन्हें मिलाकर एक्टिव मरीजों की संख्या 212 हो गई। आपको बता दें, अस्पताल, एनएचएम, सीएचसी और पीएचसी के अधिकारी कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। लखीमपुर में सदर कोतवाली पुलिस ने बीजेपी नेता सहित 30 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये लोग बीजेपी की टोपी पहनकर बिना अनुमति जुलूस निकालकर वोट मांग रहे थे। बीजेपी नेता आशुतोष वर्मा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सदर कोतवाली के सामने से संकटा देवी की ओर बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने अनुमति को लेकर पूछताछ की। इसके बाद कोविड नियम और आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की गई।